Good morning, students. How are you? Hope so all are fine there and you are doing your studies well. Okay. आप बहुत अच्छी अपनी स्टडीज कर रहे होंगे, पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे. यू आर एंजॉयिंग योर स्टडीज. आप एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को. नहीं कर रहे तो यू शुड टू क्रिएट योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर स्टडीज. एंड वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 3 द रोज रिवॉर्ड. अपन कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, फ्रॉम पेज नंबर 34 एंड 35. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. जब आपने देखा तारो वुड कटर था, जहाँ वो फॉरेस्ट में लकड़ी काटने जाता था, चॉप करने जाता था, तो उसको स्ट्रीम झड़ने की आवाज़ सुनाई दी. तो व्हाई डिड उन तो तारो क्यों भगा. तारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी. वो उधर इसलिए भगा जब उसको पानी की आवाज़ आई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था. वो बहुत सुबह से काम कर रहा था, हार्ड वर्किंग कर रहा था, और उसके बहुत स्वेटिंग हो रही थी, तो उसको बहुत प्यास लगी थी. ही हैड नेवर सीन अ रसिंग स्ट्रीम और हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. मतलब उस दिन से पहले उसने कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनाई दी थी, जैसे पानी के गिरने की आवाज़ उसको पहले कभी नहीं सुनाई दी थी. ओके, इसलिए वो उस तरफ गया. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग से. जब तारो के फादर ने कैसे खुशी जताई जब उसको पीने के लिए शेक मिला. तारोज फादर सो डिलाइटेड विद द शेक दैट व्हेन ही स्वेलोड अ सिप ऑफ लिक्विड. जब उसने एक सिप पी, एक घूंट पी उस ड्रिंक की, ही स्टॉप शिवरिंग. उसका कांपना बंद हो गया एंड बिकम एनर्जेटिक और उसको एनर्जी फील हुई. ही डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. वो फर्श पे डांस करने लगा बीच में आके. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर्स वाटर. वाटरफॉल जो हो रहा था, स्ट्रीम जो वहाँ पे गिर रही थी, वहाँ औरों को पानी मिला और तारों को शेक क्यों मिला. ठीक है, द वाटरफॉल गेव तारो शेक एंड अदर्स वाटर बिकॉज तारो वॉज अ वेरी थॉटफुल एंड ब्यूटिफुल सन ऑफ हिज पेरेंट. क्योंकि वो बहुत अपने पेरेंट्स के लिए चिंता करता था, पेरेंट्स का कर्तव्य निभाता था. वो बहुत अच्छा बच्चा था, पुत्र था अपने पेरेंट्स के लिए. ही यूज टू सर्व हिज पेरेंट्स विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी. वो उसका डेडिकेशन था, समर्पण भाव था, और वो बहुत सिंसियर था. द शेक फ्रॉम द वाटरफॉल वॉज अ रिवॉर्ड for his goodness. On the other hand, the people of village got plain water because they were greedy. क्योंकि गांव के लोग तो लालच से आए थे कि वहाँ पे शेक मिल रहा है, हम सबको चलना चाहिए. बड़े बड़े वो बकेट ले आए, पीछे ले आए, बॉक्स ले आए. लेकिन उसका जो इंटेंशन था टैरो का, वो नहीं था. उसका सिर्फ पेरेंट्स को नॉट ओनली पेरेंट्स, उसके फादर को शेक की नीड थी. और शेक बहुत एक्सपेंसिव था, वो खरीद नहीं पा रहा था. तो वो सोच रहा था कि मैं कैसे अपने फादर को शेक प्रोवाइड कराऊँ. ठीक है, तो इस तरह से उसको गॉड ने उसके फादर के लिए दी. वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रॉन तारो. वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रॉन तारो. When the villagers went to the waterfall with big pitchers and vessels to collect shake,
जब गांव वाले वहां पे गए बहते हुए पानी में से बड़े बड़े मटके लेके बड़े बड़े बर्तन लेके से कलेक्ट करने के लिए, दे सिंपली गॉट प्लेन वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल। उन्होंने सबको सिंपल पानी मिला वहां पे, ठंडा पानी। दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट तारो हैड फूल एंड ट्रिक देम, कि तारो हमको मूर्ख बना रहा है और ये उसके ट्रिक है। हैंस इसी प्रकार दे डिसाइडेड टू पनिश हिम बाय ड्रॉइंग हिम इन द सेम वाटरफॉल। मतलब गांव वालों के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि जो ये वाटरफॉल बह रहा है उसमें मतलब तारों को छोड़ देंगे, तारों को बहने के लिए छोड़ देंगे और वो डूब जाएगा। व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो? आपने देखा वहाँ के जो जापान का राजा था उन्होंने तारो को रिवॉर्ड दिया। तारो वॉज अ वेरी ड्यूटिफुल सन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड सर्व देम विथ डिवोशन। तारो बहुत ही समर्पण भाव का बेटा था अपने पेरेंट्स के लिए और उसका बहुत डिवोशन था। द एम्परर रिवॉर्डेड हिम विथ 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड ऑफ हिज पेरेंट्स। मतलब जो 20 उनको सोने के पीस मिले थे वो उसको दी। ही ऑल्सो नेम द फाउंटेन आफ्टर तारो, उसके नाम से एक फाउंटेन वहाँ पे फवारा लगा गया है। जो उसके बाद थ्रू दिस अवार्ड द एम्परर डिक्लेयर तारो एज अ रोल मॉडल फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड वॉन्टेड टू एनकरेज ऑल ऑफ देम ऑफ लव ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। राजा ये उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि तारो एक रोल मॉडल है सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए, और वो चाहता था कि वो सभी बच्चों को एनकरेज करे कि उसका जो प्यार था उसका जो सम्मान था और ओबे करता था वो अपने पेरेंट्स को, वैसे ही सब बच्चों को बनना चाहिए। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस बी। ओके, मार्क द राइट आइटम्स। तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो बहुत कम मनी कमा पाता था क्योंकि द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, जो लकड़ी की कीमत थी वो बहुत कम थी। तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो ने क्यों डिसाइड किया ज़्यादा पैसा कमाने के लिए? टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक, वो अपने फादर के लिए कुछ जो ड्रिंक थे शेक वो खरीदना चाहता था और वो शेक बहुत एक्सपेंसिव थी इसलिए उसने डिसाइड किया। ओके, द नेबर लेफ्ट तारोज हर्ट इन अ हरी बिकॉज, नेबर ने फटाफट से तारो की झोपड़ी छोड़ दी क्योंकि सी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। वो सभी लोगों को बताना चाहती थी कि कैसे तारों को वाटरफॉल से शेक मिला, तो उसको वो बात स्प्रेड करनी थी, फैलानी थी, इसलिए उसने फटाफट से उनकी झोपड़ी छोड़ दी। नेक्स्ट है वर्किंग विथ लैंग्वेजेस। ओके, स्ट्राइक आउट द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल। मतलब जो तारों के क्वालिटीज थी जो उसके ऊपर सूट नहीं करना उसको स्ट्राइक आउट करना है, मींस बोल्ड करना है, उसको शो करना है कि क्या क्वालिटीज उसमें नहीं थी और क्या क्या क्वालिटीज थी। ओके, थॉटफुल यस, हार्ड वर्किंग बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत मेहनत करता था, लविंग बहुत प्यारा था, ऑनेस्ट के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, ट्रस्ट वर्थी के बारे में उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, एफिशिएंट के बारे में नहीं हुआ, कंसिडरेट एंड काइंड, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ तारो एंड दीज आर नॉट क्वालिटीज ऑफ तारो। ओके, बी दिस मेड तारो सैडर देन एवर, क्या चीज़ तारो को परेशान करी, दुखी करी? दिस रेफर टू
Taro's inability to buy expensive cake for his father. एक दिन तारो के फादर को बहुत ठंड लग रही थी। उसने डिमांड की कि मुझे एक शेक पीना है और उस शेक को पीने से मुझे गर्मी महसूस होगी, मेरे को एनर्जी आएगी। तो तारो को बहुत मतलब गलत लग रहा था कि वो अपने फादर के लिए शेक नहीं खरीद पा रहा था। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनक्रेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट। दिस रेफर टू रिवॉर्डिंग तारो विथ गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। उसने तारो को 20 गोल्ड पीसेस दिए और उसका जो फाउंटेन था उस पर उसका नाम लिखवाया। ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस वन ए एंड बी एक्सरसाइज वर्किंग विथ लैंग्वेजेस एंड नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज सी। अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर दैट राइमिंग। एग्जाम्पल, अरेंज करना है पेयर में, ओके, दैट राइमिंग्स मीन्स जिनका साउंड सेम आए। यंग लंग, मनी सनी, सैड बैड, चॉप स्टॉप, लास्ट फास्ट, वैक्स एक्स, गुड वुड, साउंड राउंड, वे डे। ओके, दीज आर द राइमिंग्स वर्ड वी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स एंड वी मेक पेयर ऑफ राइमिंग्स वर्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल सी एक्सरसाइज डी। फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ओके, अ यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ लॉनली हिल साइड। ही वॉज अ थॉटफुल सन हु वर्क हार्ड बट अर्न लिटिल मनी। वन डे ही सॉ अ ब्यूटिफुल वॉटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। ही टेस्टेड द वॉटर एंड फाउंड इट डिलीशियस। एक वुड कटर था, वो हिल साइड्स पे अकेला रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। उसके वो बहुत विचारवान बेटा था और वो बहुत हार्डवर्क करता था लेकिन बहुत थोड़ा कमा पाता था। वन डे ही सॉ ब्यूटिफुल वाटरफॉल। एक दिन उसने बहुत सुंदर वाटरफॉल देखा। बिहाइंड अ रॉक, रॉक के पीछे, ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डेलीशियस। उसने हाथ में लेके टेस्ट किया और उसको वो बहुत अच्छी लगी और वो कोई पानी नहीं मिला था, उसको शेक मिला था। ठीक है, फाइंड दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक। दिस मेड टारो, जब वी हैव कंप्लीटेड कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, उसमें थ्री टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। व्हेन वी कंपेयर, व्हेन वी अप्लाई देन एंड व्हेन वी कंपेयर अदर, तो वी शुड टू अप्लाई ER। दिस मेड तारो सैडर, मतलब दुखी से और ज्यादा दुखी। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। उसने जल्दी काम करना स्टार्ट किया जब वह रोज करता था उससे भी जल्दी। ओके, दिस इज द इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। वर्क इन ग्रुप्स, कम टू सम एग्रीमेंट ऑन ईच ऑफ द एक्टिविटीज गिवन बिलो। डिसाइड विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द लेस्ट, मोस्ट डेंजरस, सेफेस्ट, मोस्ट रिवॉर्डिंग एंड मोस्ट एक्साइटिंग। ओके, ये आपके पास वर्ड्स हैं, दिस वन इन बॉक्सेस। आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी इंटरेस्टिंग है, कौन सी डल है, कौन सी डेंजरस है, कौन सी सेफ है, कौन सी रिवॉर्ड देने लायक है, कौन सी एक्साइटिंग है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मोस्ट इंटरेस्टिंग।
मोस्ट इंटरेस्टिंग कौन कौन से हो सकती है? डांसिंग हो सकती है जिसमें कोई टेंशन नहीं है, वॉचिंग देखना, मूवी देखना, सीरियल्स देखना और कुछ देखना, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक गाने सुनना। ओके, डल जो जिसमें अच्छा इंटरेस्ट नहीं होता हो और लेजी फील होता हो, लाइक नीटिंग, नीटिंग मीन्स स्वेटर बुनना, स्विमिंग मीन्स सिलाई करना, लर्निंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस सीखना, दीज आर द डलेस्ट एक्टिविटी। मोस्ट डेंजरस माउंटेन क्लाइंबिंग, ओ पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत डेंजरस है। सेफेस्ट क्या क्या सेफ है? वॉकिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग चलना और टिकट इकट्ठे करना। मोस्ट रिवॉर्डिंग कुकिंग, रीडिंग, फिशिंग, पेंटिंग। मोस्ट रिवॉर्डिंग है कुकिंग, मतलब रिवॉर्ड मिलते हैं जब ये आप काम करते हो, अच्छा खाना बनाते हो किसी के लिए तो सब अप्रिशिएट करते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। रीडिंग जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। फिशिंग एंड पेंटिंग। मोस्ट एक्साइटिंग प्लेइंग फुटबॉल, स्विमिंग। ओके, दीज आर कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, सो यू हैव टू सेपरेट दीज एक्टिविटीज। नाउ दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, डिक्टेशन। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट इज टू न्यू वर्ड दैट राइमिंग विथ इट। जो राइमिंग वर्ड हो you have to write down two words related to these words. Okay, first word is bad. Okay, bad, rad, sad, wax, axe, tax, fast, last, cast, chop, hop, chop, young, tongue, unsung. Okay, we have completed all exercises of this chapter. You have to complete some exercise in book and answer the following questions in your notebook. You have to complete your work and show us. You have to send on WhatsApp your images of work. We will check and we will see what are you doing. Okay, and we will appreciate you, we will give reward for good work. Okay beta, all the best. Okay, see you later. Thank you.